नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुशवाहा और आप मुझे द लॉलीपॉप के एक और वीडियो में देख रहे हैं। बीते रोज ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक की धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है और निशाने पर आए हैं दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद एक्टर डीनो मोरिया, संजय खान और डीजे अकील। इन सभी लोगों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। मामला गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह और उसके फरार अधिकारियों नितिन संदेशरा और चेतन संदेशरा से रिलेटेड है। ईडी का आरोप है कि ये मामला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की धोखाधड़ी से भी बड़ा मामला है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी की जो रकम है वो 16,000 करोड़ के करीब है। ईडी के मुताबिक आंध्रा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ धोखाधड़ी हुई है। मामले की जांच के बाद सभी आरोपियों, जिसमें कांग्रेस नेता अहमद पटेल जैसा कि हमने आपको बताया, उनके जो दामाद हैं एक्टर डीनो मोरिया, संजय खान और डीजे अकील शामिल हैं, इन सबकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। और जो संपत्ति को जो जब्त किया गया है उसकी जो रकम है वो है 8.79 करोड़। ईडी के बयान में इन चारों को संदेशरा परिवार से जोड़ा गया है। ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय, जैसा हम बताया हमने आपको, ये जो खबर है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। फिलहाल इतने बड़े घोटाले के आरोप को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।